हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी चैनल पर। मैं राहुल रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए और लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। और ये जो आज हमारा टॉपिक है, जितना हमारे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, आज़ादी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, आज हम शॉर्ट वीडियो में के माध्यम से उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने पेन कॉपी में नोट डाउन कर लें, कॉपी में सारी चीजें। चलिए देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दसराग युद्ध। दसराग युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दसराग युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है। यह सुदास और 10 अनार्य कबीलों के बीच में हुआ था। यह युद्ध हुआ था, सुदास और 10 अनार्य 10 कबीले थे, जिसमें 5 अनार्य थे और 5 आर्य कबीले थे, ठीक है ना। 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले थे, ठीक है ना। इसके बाद इन जो हमारे 10 अनार्य जो 10 कबीले थे, इनके गुरु थे, वो थे हमारे विश्वामित्र, ठीक है ना। याद रखिएगा, सातवां मंडल, सुदास। सुदास जो थे हमारे तुत्सु कबीले के थे, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध जो हुआ था हमारे सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जो अलेक्जेंडर थे और परमानंद या पोरस के बीच में हुआ था। पर पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था, ठीक है ना, चिनाब नदी के बीच में था, इसलिए ये जो हाइड स्पीच का युद्ध बोला जाता है, झेलम नदी के कारण, ठीक है। जो हमारा सिकंदर था, इसने सबसे पहले आक्रमण आम्बी पर किया, लेकिन आम्बी जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो सिकंदर हमारे भारत में आया था, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिकंदर हमारे भारत में हिंदू कुश पर्वत होते हुए, कौन सा हिंदू कुश पर्वत होते हुए जो है खैबर दर्रे से भारत में आया था। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, झेलम नदी के तट पर हुआ था, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, पोरस की हार हुई थी इसमें, ठीक है ना, और आम्बी जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। खैबर दर्रा होते हुए अलेक्जेंडर भारत आया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखिए, कलिंग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। कलिंग गुप्त सम्राट अशोक के बीच में और कलिंग राजा नंदराज के बीच में ये युद्ध हुआ था। गुप्त सम्राट कौन था? अशोक, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था हमारा 261 ईसा पूर्व, मतलब अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, ठीक है ना। इसमें अशोक की विजय हुई और इस उल्लेख का वर्णन हमारे अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13वें शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। इसको इसके बाद ही अशोक का जो रक्त बहता हुआ देखकर अशोक का हृदय पर परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, पुलकेशन और हर्ष का युद्ध हुआ था। ये हमारे नंदा नदी के किनारे पर 332 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि पुलकेशन की जीत हुई थी, ठीक है, जो हर्ष थे उनकी हार हुई थी, और इसका वर्णन जो है हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है कि पुलकेशन द्वितीय यहाँ पर जीता था। जो हमारे वर्धन वंश के हर्ष थे और चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ था या कब हुआ था, ठीक है ना, तो नंदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तराइन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 और 1192 में, दो तराइन के युद्ध हुए थे। पहला तराइन का युद्ध जो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दूसरा हमारा जो था 1192 में हुआ, 1192 में इसमें पृथ्वीराज चौहान हारे और इस युद्ध के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो तराइन के दो युद्ध हुए, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं। एक पहला युद्ध हुआ 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में, तुरंत उसके बाद ही, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर के पास मात्र 12,000 और जबकि इब्राहिम लोदी के पास 2 लाख सैनिक थे, तब भी इब्राहिम लोदी की हार हुई, ठीक है ना। कि जो माता थी वो चंगेज की 14वीं पीढ़ी की थी और जो पिता थे वो 5वीं पीढ़ी के थे, तैमूर वंश के। इसलिए बाबर को चकदाई तुर्क या मुगल कहा गया, ठीक है ना। इस वंश को क्या कहा गया? चकदाई तुर्क या मुगल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई और यहां से हमारे भारत में मुगल वंश का क्या हो गया?
स्थापना होना शुरुआत हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और बात इस युद्ध की। इसमें तोपों का पहली बार यूज किया गया, गन पाउडर का पहली बार यूज किया गया, और बाबर ने एक नीति जो तुलगमा नीति का इसमें उपयोग किया था पानीपत के युद्ध में। चलिए खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध संग्राम सिंह या राणा सांगा के जिसके नाम से जानते हैं हम, और बाबर के बीच हुआ। इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इस युद्ध में बाबर ने जो है क्या जिहाद का नारा किस युद्ध से मिला पूछा जाता है, तो हमारे खानवा के युद्ध से। दूसरा, इसके युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है ना, तो खानवा का बाबर का दूसरा युद्ध था, पहला पानीपत का युद्ध था, दूसरा खानवा का युद्ध था। इसमें जो है संग्राम सिंह की या राणा सांगा की क्या हो गई थी, इसके कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी, जहर उनको खिला दिया गया था उन्हीं के लोगों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चंदेरी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। चंदेरी का मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था। यहाँ पर मेदनी राय जो थे, ठीक है ना, इसके और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था, 1528 ईस्वी के बीच में। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध, 1528 ईस्वी। याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत जल्दी स्पीड से हम बता रहे हैं, कम से कम समय में ये सारे युद्ध आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो ऐसा युद्ध था, ये 1529 में हुआ। इस युद्ध की खास बात ये थी कि ये मध्यकालीन भारत का एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। ये कहाँ लड़ा गया, जल एवं थल दोनों में लड़ा गया, ये बात आप याद रखिएगा। ये बंगाल और जो हमारे बिहार के बीच में ये युद्ध हुआ। इसका जो नेतृत्व करता थे अफगान, वो थे हमारे महमूद लोधी, और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है ना, महमूद लोधी है ना। इसमें जो हमारे बंगाल के शासक नुसरत शाह थे, इन्होंने अफगानों का साथ दिया, और इसके बाद वो इस युद्ध में हारते हुए देख के वो किसके साथ मिल गए थे, बाबर के साथ मिल गए थे। तो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि ये जल और थल में मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। कब लड़ा गया, जो घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में हुआ। इसके बाद 1530 में क्या हो गई थी, बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध चुनार युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। याद रखिएगा, किस किस के बीच, शेरशाह या शेर खां, ठीक है ना, इसका नाम क्या था, शेर खां। ठीक है ना, अब ये जो थे शेरशाह, इनकी हार हुई इस युद्ध में, और इनको अपना चुनार का किला और इसके साथ अपने एक पुत्र कुतुब खां को जो है हुमायूं के साथ भेजना पड़ा, और किला जो है हुमायूं को देना पड़ा। तो ये ऐसा पहला ऐसा युद्ध था जिसमें क्या किया, शेर शाह की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। ये कब हुआ था, 1532 में। चुनार का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। इसके बाद फिर आपको देखिए कुछ सालों बाद चौसा का युद्ध हुआ, कब, 1539 या 1539 में। कब हुआ, 1539 या 1539 में युद्ध हुआ। ये शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो शेर खां थे, इसने पहली बार शेर शाह की उपाधि, जो हम शेर शाह जानते हैं, वो उसने चौसा के युद्ध के बाद ये उपाधि रखी। इसके बाद जो है इसमें हुमायूं की हार हुई। हुमायूं बहुत बुरी तरीके से इस युद्ध में हारा था। किस युद्ध में, चौसा के युद्ध में। फिर इसके बाद एक और प्रयास किया हुमायूं के द्वारा, वो किया गया था जो है आपका बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था, 1540 में, और इसमें भी शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा, एक बिलग्राम का युद्ध, एक चौसा का युद्ध, एक चुनार का युद्ध, तीन युद्ध जो हैं वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुए। चुनार युद्ध जो 1532 में हुआ, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, और 40 में आपका बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। कब हुआ, 1556 में, 5 नवंबर 1556, डेट याद रखना है। डेट पूछ लिया जाता है आजकल प्रीलिम्स के पेपर में, डेट पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई सा ही पेपर हो आपका, वन डे एग्जाम, सब में डेट पूछते हैं। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ, जो हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू। हेमू कौन था, आदिल शाह सूरी का सेनापति था, और अकबर के, इसमें हेमू की हार हुई। इसमें कौन हारा, हेमू हारा, अकबर जीता। लेकिन कुछ समय के लिए हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके रख लिया था, और दिल्ली पर कब्जा करने के साथ उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था।
ऐसा करने वाला ये 14वां शासक बना। बोला जाता है इतिहास में 14 ऐसे राजा रहे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें आखिरी कौन था आपका हेमू। कई बार क्वेश्चन आ जाए और हमें पता ही नहीं, अंदाजा होना चाहिए कि विक्रमादित्य की उपाधि आखिरी कौन धारण करने वाला था, हेमू धारण करने वाला था, ठीक है ना। तो ये पानीपत का जो है हमारा द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए ये गोंडवाना युद्ध जो मंडला की रानी थी गोंडवाना राम ने उनके बीच और हमारे अकबर के बीच, अकबर का सेनापति जो था वो आसफ खां था उसके बीच में और रानी दुर्गावती के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ? आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच हुआ। इसमें रानी दुर्गावती ने अपनी कटार घोंपकर अपनी जो है आत्महत्या कर ली और शहीद हो गई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें किसकी विजय हुई? अकबर की, ठीक है। और रानी दुर्गावती जो गोंड रानी थी उनकी क्या हुई इस युद्ध में? हार हुई, ठीक है। चलिए अगला देखा जाता है तालिकोट का युद्ध। तालिकोट का युद्ध जो है हमारे बहमनी संघ और विजयनगर के बीच हुआ, बहमनी और विजयनगर, ठीक है ना, विजयनगर के बीच हुआ। बहमनी में अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर के सैनिक संघ ने एक संघ बनाया, उसके साथ विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और जो संघ की नेतृत्व करता था वो था आदिल अली शाह, अली आदिल शाह था। कौन था? अली आदिल शाह इसका नेतृत्व करता था और विजयनगर का सम्राट उस समय सदाशिव राय था, लेकिन ये मात्र नाम मात्र का राजा था। इसका जो मुख्य सेनापति था, ठीक है ना, सेनापति जिसका नाम था राम राय। तो अगर आपसे पूछें कि तालिकोट का युद्ध, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सदाशिव राय ना आकर राम राय आ जाए तो भी आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो राम राय और आपके आदिल अली शाह के बीच हुआ, या बहमनी विजयनगर के बीच हुआ, या आपका आदिल शाह और सदाशिव राय के बीच हुआ, और ये हुआ 1565 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ, मानसिंह के बीच और आसफ खां की संयुक्त रूप से सेना ने जो है महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई, ठीक है ना। लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ से बच निकले और अकबर के रहते रहते उन्होंने लगभग अपना पूरा राज्य वापस जीत लिया था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ये है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। देखिए मराठों की शक्ति इस समय चरमोत्कर्ष पर थी, ये युद्ध इनके लिए बहुत आसान था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जो इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। एक तो पहली बात, ये अपने साथ तीर्थ यात्रा पर भी गए, तीर्थ यात्रियों को भी अपने साथ लेके गए, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और जो इन्होंने गलती की कि वहाँ के मौसम को देखकर नहीं गए कि वहाँ पर सर्दी है या गर्मी, और इस कारण इनकी जो है हार हुई। मराठों का जो पतन का कारण है वो पानीपत का तृतीय युद्ध ही है, ठीक है ना। इसमें मुगल, इस समय जो मुगल बादशाह थे वो शाह आलम द्वितीय थे इस समय, ठीक है ना। ये हुआ किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। वो मुगल बादशाह उस समय कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आलम शाह थी, ठीक है, द्वितीय। और ये कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों के अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए उनको आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ। इसमें सलवाई की संधि हुई। पूछा जाता है सलवाई की संधि किस युद्ध में हुई, तो सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई और इसमें अंग्रेज और महजी सिंधिया के बीच में ये संधि हुई। इसमें एक दूसरे के जितने भी क्षेत्र जीते हुए थे दोनों, एक दूसरे को अंग्रेजों और मराठों ने वापस कर दिए थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। ये आंग्ल मराठा युद्ध जो था इसमें जो देवगांव की संधि किस किस से बीच हुई, अंग्रेज और भोसले के बीच हुई। इसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुई। और राजघाट की संधि किस किस के बीच हुई, अंग्रेज और होलकर के बीच। राजघाट होलकर से, सुरजी अर्जुन गांव अपने सिंधिया से, और देवगांव जो है आपके भोसले के साथ, तीन संधियाँ हुई। और इस संधि के बाद क्या हुआ, इस संधि के बाद जो है मराठाओं की शक्ति पूर्ण तरीके से छीन हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो मराठाओं के सामंत थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उनको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हरा दिया था,
तो यहाँ पर जो है मराठों की हार पतन का एक और ये बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें भी अंग्रेज पूरी तरीके से जीते और इसमें पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि पेशवा का पद किस युद्ध के बाद खत्म हुआ, तो किस युद्ध के बाद खत्म हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ। और इस समय आपके गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे इस समय क्या थे, अंग्रेजों के गवर्नर थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो था ये शुरुआती थी अंग्रेजों की, भारत में नींव पड़ी वो किससे पड़ी, प्लासी के युद्ध से। और दूसरा हमारा बक्सर का युद्ध, इसमें सिराजुद्दौला, इससे पहले ब्लैक होल की घटना हुई थी, इस कारण सिराजुद्दौला और अपने अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें जो है सिराजुद्दौला के दो वफादार सैनिक सेनापति मीर मदान और मोहनलाल दोनों मारे गए थे। मीर मदान और मोहनलाल अपने लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन इनका जो जो सेनापति था मीर जाफर वो किसके साथ मिल गया था, अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना, और इसमें किसकी हार हुई, सिराजुद्दौला, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई। कब हुआ था, 1757, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध भी इसी अंग्रेज, और इसमें संघ बनाया गया सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ठीक है ना, और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम जो थे ठीक है उनके बीच, इनके इन्होंने एक संघ बनाया और तीनों ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ। इस समय अंग्रेजों का जो सेनापति था वो मुनरो था, और इसमें भी हमारी किसकी हार हुई, हमारे सिराजुद्दौला की हार हुई। लेकिन अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि की गई, इसके तहत उन्हें पेंशन आफ्ता बनाकर इलाहाबाद में बंदी बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा कब हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764, इसके बाद कौन सी संधि हुई, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज और हैदर अली मैसूर का राजा था, और हैदर अली जो था, ये पहली ऐसी संधि बोली जाती है जिसमें अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ा। इसलिए मद्रास की संधि हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है ये। किस किस के बीच हुई, मद्रास में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, और मद्रास की संधि में अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ा था। हैदर अली से अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। देखिए इस समय हैदर अली की 1780 में जो 81 में मृत्यु हो गई थी, इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया, टीपू सुल्तान में, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और इसमें मंगलौर की संधि हुई। आपसे पूछेंगे कि मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, मैसूर युद्ध में हुई, आपसे मंगलौर की संधि कब हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, और ये कब हुआ था, 80 से 84, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 90 से 92, याद रखिएगा 80 से 84, ठीक है ना, डिजिट याद रखिए, 10 साल बाद ही दोबारा से हो गया 90, तो 90 से 92, ये भी टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुआ, इसमें श्रीरंगपत्नम की संधि हुई। ठीक है ना, तो ये तीन संधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, मद्रास की संधि, मंगलौर संधि और रंगपत्नम। रंगपत्नम इसकी राजधानी बनाए टीपू ने, और इसके बाद चौथा जो युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें लॉर्ड बेलेजली ने इसका नेतृत्व किया था, और इसमें हमारे टीपू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो चौथे युद्ध में टीपू लड़ते हुए अपने शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। तो तीन युद्ध, तीन संधियां यहां हमको याद रखी हैं, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, आपकी मंगलौर की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और तीसरी है आपसे श्रीरंगपत्नम की संधि जो है हमारे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पहला 1965-66 जिसमें ताशकंद समझौते के साथ, हमारे इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरा हमारा 1971 में हुआ, 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हमने की, ठीक है ना, जो ईस्ट पाकिस्तान का, उसको पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, 1971 के युद्ध के बाद। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो महत्वपूर्ण युद्ध कारगिल का युद्ध था, ये इसमें भी हमारे भारत की जीत हुई। देखिए ये आज हमारे युद्ध कंप्लीट हो गए हैं लगभग, ठीक है ना, ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत काम देने वाला है, पूरा देखिए और नोट्स बनाइए और रट लीजिए। बात कहते ना युद्ध के लिए कि युद्ध की संभावना में जी रहे हैं देश सुन ले, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जैसे चाहे उसे चुन ले। तो आज इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, किस चीज़ का आप चाहते हो, उसको आप कमेंट करके बताइए और पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।